तो हेलो भाई, मैं हूं अभिषेक परियार। तो आज हम खड़े हैं ओकिनावा लाइट की स्कूटी के सामने। तो कुछ इस टाइप में आपको लुक देखने मिल जाते हैं इसके स्कूटी के, जो सामने से आपको लुक देखेंगे तो कुछ इस टाइप में आपको लुक देखने मिलेंगे। तो ये एक इंडियन ब्रांड है, जैसे कि ओला इंडियन ब्रांड है वैसे ही आपको ओकिनावा मिलेगी, जो कि ओला की तरह ही ये ज़्यादा फेमस है। लेकिन इसकी जो रेंज है वो थोड़ी कम देखने में मिल जाती है बाकी स्कूटी के कंपेरिजन पर। तो आज बात करते हैं ओकिनावा की पूरी स्कूटी के बारे में, लाइट के बारे में। तो आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा इस स्कूटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करें सामने की लुक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप में हैंडल देखने मिलता है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का दिखता है, जो कि आपको एकदम कुछ नहीं है, बस वो एक डिजाइन है। और नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको ओकिनावा की बैजिंग मिलती है, जो कि एम्बेडेड लाइटिंग के साथ आती है। इसके अंदर आपको लाइटिंग देखने मिलती है ओकिनावा की, ताकि आपको रात में भी ओकिनावा की जो बैजिंग है वो भी आपको दिखे। और सामने से लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरा LED के अंदर सेटअप देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं दोनों साइड में, जो कि वो भी LED के अंदर ही देखने मिलते हैं। यहाँ पे है ओकिनावा की बैजिंग। और सामने प्रोफाइल की बात करें तो इस टाइप पे आपको प्रोफाइल देखने में मिल जाता है, जो कि सामने आपको अलॉय व्हील्स मिलेगा विद डिस्क ब्रेक के साथ। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ टाइप में आपको साइड प्रोफाइल देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्पेस देखने में मिल जाता है, कंफर्टेबल स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको पावर दी चार्ज की जो बैजिंग देखने में मिल रही है, वो भी एम्बिएंट लाइटिंग के साथ आती है। अंदर आपको यहाँ पे भी लाइट देखने मिल जाती है, ताकि आप रात में भी इसको ऑन कर सकें। तो यहाँ पे आप बात करें सामने से, तो अभी लॉक है। तो कुछ टाइप की अंदर देखने मिल जाती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ टाइप के फंक्शंस देखने मिलते हैं। और दो की आपको इस टाइम फिजिकल की देखने मिल जाती है। तो यहाँ से ये स्टेप है ऑन आती है। तो यहाँ से आपको कुछ इस टाइप का कंज्यूमर क्लस्टर देखने में मिल जाता है। यहाँ पे पूरा इसके अंदर आपको कुछ टाइप के फंक्शंस देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पूरा कंज्यूमर क्लस्टर देखने में मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ ट्रांसफर बटन देखने में मिलता है, जो कि आपको किसी भी और स्कूटी के अंदर देखने नहीं मिलता। ओला के अंदर आपको पासवर्ड डाल के स्टार्ट करने का मिलता है यहाँ पे, लेकिन इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है। यहाँ पे आपको थोड़ी देर पुश करके रखोगे इस गाड़ी को, तो यहाँ पे इस टाइप में और ये गाड़ी ऑन हो जाएगी। तो यहाँ कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है पार्किंग मोड। इस गाड़ी के अंदर आपको पार्किंग मोड देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर और यहाँ पे हॉर्न के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं डिपर के कंट्रोल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और लेकिन आपको यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सीधे ऑन स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे आपको सीधे रेस दीजिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेप में देखने लिए मिल जाता है आपको यहाँ पे। और सामने यहाँ बात करें तो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको यहाँ पे लाइटिंग देखने मिल जाती है स्टार्ट स्टॉप बटन के अंदर। यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेस देखने लिए मिल जाती है। और साथ में अंदर आपको यहाँ पे एक USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है चार्जिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस रखने के लिए, यहाँ पे सामान रखने के लिए यहाँ पे थोड़ी जगह मिल जाती है आपको। और नीचे आपको यहाँ पे बहुत सारा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इस टाइप की स्टूडियो के लिए। तो जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे आपको मिल जाती है पावर ऑफ द चार्ज की बैजिंग, जहाँ पे आपको लाइटिंग के साथ मिलती है ये सब चीज़ें, ताकि आपको रात में भी ये सब चीज़ें शो हो सकें। यहाँ पे मिल जाती है लाइट की बैजिंग यहाँ पे ओकिनावा। पीछे की रेयर की प्रोफाइल की बात करें तो कुछ टाइप में आपको इसकी टाइप लाइटिंग मिलती है, जो कि एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक देखने मिल जाता है। यहाँ पे जितनी भी आपको यहाँ पे लाइटिंग मिलेगी वो सारी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी LED के अंदर। यहाँ पे भी ओकिनावा की बैजिंग देखने मिल जाती है, जो कि हमेशा निकलती रहेगी लाइटिंग के अंदर। और पीछे की रेयर की बात करें तो कुछ टाइप का रेयर आपको मिलता है पूरा का पूरा। और इस टाइप में भी यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्रम ब्रेक के साथ। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपको ड्रम मिलेगा। आगे आपको अलॉय व्हील देखने मिल जाता है, पर आपको पीछे नहीं मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो कुछ टाइप का बूट स्पेस 17 लीटर का बूट स्पेस आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है। यहाँ पे इस स्टेप में यहाँ पे वो चार्जर देखने में मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको 48 वॉट का चार्जर देखने में मिल जाता है, जो कि चार्ज करता है इसको 4 से लेकर 5 घंटे के अंदर ये गाड़ी चार्ज होती है, पूरी फुल चार्ज आएगी। और यहाँ पे कुछ टाइप का बूट स्पेस देखने में मिल जाता है यहाँ पे इस स्टेप में 17 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। और यहीं से आप बैटरी को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐसे खोल के यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाएगी, जो कि आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से इजीली एक्सेस बैटरी यहाँ पे मिल जाती है। जितनी भी ओकिनावा की आपको स्कूटी मिलेगी उन सब में आप इजीली बैटरी को एक्सेस कर सकते हैं। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो कुछ टाइप का कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, इस जगह यहाँ पे स्पीड दिखाता है। तो गाड़ी टॉप स्पीड की बात करें, जो कि है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जो कि आपको एक्सपेंडेड हो सकती है 30 किलोमीटर तक की आप ये गाड़ी चाहते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइट सिग्नल, यहाँ पे रेडी है, मतलब गाड़ी पार्किंग मोड में नहीं है, वहाँ पे रेडी तैयार है। यहाँ पे मिल जाता है आपको बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी परसेंटेज बैटरी आपको बची हुई है। यहाँ मिल जाता है गाड़ी कितनी चली है किलोमीटर, अभी तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, तो अभी ये बिल्कुल भी नहीं चली है, तो यहाँ पे 0 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको ओकिनावा की इतना ही इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है इसके अंदर। सामने ओकिनावा की जो बैजिंग मिलती है वो भी आपको लाइटिंग के अंदर ही मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर है इसके अंदर, जो कि रात में भी आप आराम इजीली देख सकते हैं कि ये कौन सी गाड़ी करनी है।
जो कि, और पूरा लुक की बात करें तो कुछ टाइप में आपको लुक देखने मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसको जो अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फेस में आ चुकी है, और उन लोगों के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये व्हीकल है, क्योंकि ये इजीली एक्सेस हो सकती है। और दूसरी बात ये तो जिनकी हाइट कम है वो भी आप इजीली ये इस गाड़ी चला सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे इस जगह आपको चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी का, जो कि 4 से 5 घंटे के अंदर आपको ये गाड़ी पूरी फुल चार्ज कर देगा। और बात करें इसकी रेंज के बारे में तो ये गाड़ी की रेंज आपको मिल जाती है टोटल 60 किलोमीटर तक की रेंज आपको इस गाड़ी के अंदर देखने में मिल जाती है। तो इसके अंदर आपको मिलते हैं 4 कलर ऑप्शंस, जो कि हैं ब्लू, जो कि आपके सामने ही है ब्लू, और वाइट के अंदर मिल जाता है रेड, और येलो के अंदर आपको कलर ऑप्शन देखने में मिल जाते हैं कैसे रखते हैं। तो ये गाड़ी का ये भी है कि कुछ देर आप उस गाड़ी को नहीं चला सकते, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, पर आप उसके हैंडल को साइड में कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे लॉक हो जाएगा जैसे ओला हो जाती है। तो उस टाइप का कुछ फीचर्स इसके अंदर भी देखने लिए मिल जाता है गाड़ी के अंदर। अब मैं गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको मिल जाती है अप्रॉक्स 70,000 के आसपास ये आपको प्रोवाइड हो जाएगी गाड़ी। जो तो प्राइस है गाड़ी का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया है गाड़ी का, जो कि इसके अंदर फीचर्स भी नहीं है इतने और ना ही इतनी रेंज मिलती है जो कि हिसाब से इसकी गाड़ी जो प्राइस दे रखा है। तो वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।